हिमांशु मिश्रा मेरे सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। हिमांशु, देखिए, कांग्रेस शासित राज्यों के सीएम का बॉयकॉट करना, उस बैठक को, ये कई मायने हैं इसके। हालांकि ममता बनर्जी उस बैठक को अटेंड करेंगी, उनका ये कहना है कि वो इसलिए अटेंड करना चाहती क्योंकि वो अपनी मांगों को उठा सके। लेकिन इस बीच ये जो हंगामा हो रहा है, इसमें आखिरकार 20 घंटे की बहस होगी तो होगी कैसे, ये बड़ा सवाल है। देखिए, बिल्कुल बड़ा सवाल है क्योंकि तमाम विपक्षी दल जो हैं इंडिया ब्लॉक के, वो इस बजट का विरोध कर रहे हैं, ये कहते हुए कि आंध्र प्रदेश और बिहार को जिस तरीके से आर्थिक पैकेज दिया गया है और बाकी राज्यों के साथ जो है वो भेदभाव किया गया है, इस मुद्दे को लेकर विपक्ष जो है कल से हमलावर है सरकार के ऊपर, सदन के बाहर, संसद भवन में। और अब जो सदन चल की कार्रवाई चल रही है तो आप देख रहे हैं कि सदन में भी विपक्ष इसी तरीके से जो है नारेबाजी कर रही है और हंगामा कर रहा है। और दूसरी तरफ जो नीति आयोग की एक बैठक बुलाई है जिसमें सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को आना है, तो इंडिया ब्लॉक के सभी मुख्यमंत्रियों ने जो है इस बैठक का बायकॉट किया है। सिर्फ ममता बनर्जी जो है इस बैठक में आना चाह रही है, जैसा आपने भी बताया कि वो ये चाहती हैं कि वो अपनी मांगे जो है वो नीति आयोग और प्रधानमंत्री के सामने रख सके। अब वो उन्हें जो मांगों के पर क्या मिलेगा नहीं मिलेगा ये तो वक्त बताएगा, लेकिन इतना जरूर है कि सरकार के लिए एक सुखद चीज है कि इंडिया ब्लॉक के अंदर जो है वो फूट दिख रही है। बनर्जी अगर इस बैठक में आती है तो इंडिया ब्लॉक का जो विरोध है कहीं ना कहीं वो विरोध कमजोर पड़ेगा, क्योंकि इंडिया ब्लॉक के जो सबसे महत्वपूर्ण दलों में एक दल है जो पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री भी है और टीएमसी जिनकी 29 सीटें हैं लोकसभा में, अगर वो सरकार की बैठक के अंदर शामिल होती है, अपनी मांगों को रखती है, तो सरकार ये संदेश देगी कि देखिए विपक्ष जो है वो एकजुट नहीं है। और इसीलिए ममता बनर्जी सरकार की इस बैठक में आई है क्योंकि वो चाहती है कि सरकार और राज्यों के जो संबंध है, जो फेडरल स्ट्रक्चर है, वो ठीक नजर आए। लेकिन आज विपक्ष जिस तरीके से बजट को लेकर चर्चा में शामिल होने की जगह उसमें हंगामा करता नजर आ रहा है। मानसून, रोक रहे हो आपको और सीधे राज्यसभा लिए चलते हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे बोल रहे हैं, मैं कभी नहीं देखा, और ये सिर्फ किसी को खुश करने के लिए, खुर्ची बचाने के लिए वो ये सब हुआ है। इसका हम कंडम करते हैं। और इस ढंग से बजट पेश अगर हो गया, मैं समझता हूँ कर्नाटक से आए हैं, नहीं कर्नाटक से आए हैं सर, हमारी तो अपेक्षा ऐसी थी सबसे ज्यादा मुझे ही मिलेगा, लेकिन इतना हमको तो कुछ नहीं मिला, तो इसका तो हम कंडम करेंगे, प्रोटेस्ट करेंगे और सारे इंडिया पार्टी अलायंस, सारे कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक। मैं बोल देता हूँ, उन्होंने तो बोलने में, सो माता जी बोलने में तो एक्सपर्ट है, मुझे मालूम है, तो उसी ये तो माता जी नहीं, आपकी बेटी के बराबर हैं। मैं अपनी बात रख रहा हूँ, तो इसीलिए सर मैं कंडम करता हूँ। अगर आप जिस जगह अपोजिशन पार्टी चुन के आ गई, जिस जगह आपको निग्लेक्ट किया गया है या लोगों ने नकार दिया आपको, उस जगह कुछ नहीं मिला। और लोग अगर ऐसा आप करते गए, अगर बैलेंस नहीं होगा, डेवलपमेंट कैसा होगा? आज आपके साथ है, कल लोग वो दूसरों के साथ हो गए, तो लोग समय में अलग अलग से करते हैं, इसीलिए मैं इसका कंडम करता हूँ। हम सभी पार्टी के लोग इसको कंडम करते हैं, इस टाइप के एटीट्यूड के लिए। सर, ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर, सर थैंक यू फॉर गिविंग मी एन अपॉर्चुनिटी टू रेस्पॉन्ड। मच बिफोर आई रेस्पॉन्ड, दे वुड लाइक टू मेक अ लॉट ऑफ नॉइस एंड गो अवे इन द ट्रू स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। दे डोंट इवन वॉन्ट, सर इट इज, नथिंग विल गो ऑन रिकॉर्ड। Honorable,
ऑनरेबल मेंबर्स प्लीज प्लीज ऑनरेबल मेंबर्स डिस्कशन ऑन द बजट वॉज लिस्टेड टूडे एंड आई गेव फ्लोर टू द लीडर ऑफ द अपोजिशन इन एक्सपेक्टेशन दैट रूल्स विल बी फॉलोड आई फाइंड इट हैज बीन यूज एज अ प्लॉय and a strategy. Honorable members, I strongly plead with you. Democracy will be seriously threatened if disruption and disturbance are weaponized as a political strategy, as has been done now. Parliament is citadel of constitutional and democratic values and liberties. I am aghast, as a matter of fact, when during the day and days following, we'll have ample opportunity to reflect on the budget. I was asking about that this work is going on very slowly. That particular point is that whether that will be completed as early as possible. This is my question. And those trains have not been running. So whether these trains will be started.